केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज भालकी माजरा स्थित प्रस्तावित एम्स की साइट का निरीक्षण किया और कहा कि विपक्ष एम्स को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द रेवाड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से एम्स का शिलान्यास किया जाएगा। निर्माण प्रक्रिया के साथ साथ एम्स की ओपीडी भी शुरू की जाएगी। बता दें कि भालकी माजरा स्थित करीबन 210 एकड़ जमीन पर देश के 22वें एम्स का निर्माण होना प्रस्तावित है। निर्माण को लेकर टेंडर भी फाइनल हो चुका है। L&T कंपनी 1231 करोड़ की लागत से एम्स का निर्माण करेगी। यह अस्पताल 750 बेड का रहेगा। यहां राव इंद्रजीत सिंह ने स्थानीय किसानों से भी मुलाकात की है। बता दें कि अलग अलग कारणों के चलते एम्स निर्माण में काफी देरी हो चुकी है। एम्स बनाओ संघर्ष समिति सहित विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साध रहा है, जिस पर जवाब देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्ष पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वे केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में हैं। एम्स का निर्माण जल्द शुरू कराने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एम्स रेवाड़ी ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इलाके के लोगों को एकजुट रहकर अपनी राजनीतिक शक्ति का परिचय देते रहना होगा। उन्होंने कहा कि इलाके में एम्स शुरू होने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ इलाके को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी।